अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम लोग जो है बड़े टाइम के बाद में जो है जुहू चौपाटी घूमने के लिए आए हैं। ईद का चौथा दिन है आज और काफ़ी दिन हो गए थे मैंने व्लॉग्स नहीं डाला था, बिकॉज बीच में जो है मेडिकल इशू आ गया था, उसकी वजह से आप लोगों से बात और मुलाकात नहीं हो पाई और कोई व्लॉग नहीं आ पाया उसकी वजह से। तो आज मैंने सोचा है कि एक न्यू व्लॉग स्टार्ट करेंगे घूमने फिरने के साथ में, और कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आज से जो है कंटिन्यूस डेली आप लोगों के लिए ब्लॉग आए। मैंने बहुत ही मुश्किल से जितना हो सका था कवर किया। हम लोग जो है पूरी फैमिली के साथ में घूमने के लिए जो है जुहू चौपाटी आए हैं। ईद के टाइम पर हर साल यहाँ पर जो है इस तरह से जो है बोटिंग लगी होती है, बोटिंग किया जाता है और हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, बोटिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है मेरी बहनों के साथ में आया था और हम यहाँ पर जो है घूमने के लिए आए हैं, और थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हम लोग ने जो है बाहर बैठा इंतज़ार किया, घूमे फिरे, उसके बाद में खाना वगैरह खाने के बाद में हम लोग यहाँ पर जो है बोटिंग करने के लिए आ गए। यहाँ पर मैंने जो है बोटिंग वाले से बात की तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पर जो है स्कूबा डाइविंग का पर्सनल अगर कोई सिंगल आदमी जाता है तो उसका प्राइस रेंज जो है 300 रुपीज़ है, और अगर हम इस तरह से बोटिंग करने जाते हैं जिस तरह से हम लोग जा रहे हैं तो पर पर्सन का 200 रुपीज़ है। तो आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ में घूमने के लिए जुहू चौपाटी ज़रूर आइए। जो मुंबई से बाहर है, जब वो मुंबई घूमने आए तो कोशिश करें कि ईद के वक्त में आए तो आपको जो है बोटिंग का मज़ा लेने का वक्त मिलेगा। ज़रूर घूमें फिरें, और इसी के साथ में इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा बोटिंग का हमें ज़रूर बताना कमेंट करके। मैं आगे के भी और वीडियोस अपलोड करूँगा जुहू चौपाटी के। फ़िलहाल के लिए बस हम यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।